अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल। आज की वीडियो में बात करूँगा। यार बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, सबसे पहले तो बहुत बहुत सॉरी वीडियो देर से अपलोड करने के लिए। उसकी वजह ये है, वो आपको बताएं कि मैं किस जगह पे आया हूँ और क्या अभी चल रहा है सिस्टम। तो बात ये है यार, बहुत से लोग कह रहे हैं कि वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उसकी रीज़न ये है कि जैसे मैंने आपको बताया है वीडियोस के अंदर कि मतलब आप इस तरह डाइट फॉलो करो स्ट्रिक्टली। तो यार मसला ये है कि मेरी दो चीज़ें थी। अब मेरी हर्निया की सर्जरी भी हुई भी थी और मुझे वेरिकोसील भी थी, तो मैं दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस करता था। वैसा नहीं था कि मुझे हर्निया की सर्जरी थी तो मतलब मुझे सिर्फ हर्निया की टेंशन होगी। ऑफकोर्स मतलब हर्निया की सर्जरी जब हुई थी तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस तो हर्निया की सर्जरी का रहता था, क्योंकि तकलीफ उसकी ज़्यादा थी। उस वक्त वेरिकोसील की इतनी तकलीफ़ नहीं थी। मगर बात यह है कि हर्निया की सर्जरी भी हुई थी, वेरिकोसील भी थी, तो मैं केयर ज़्यादा करता था। तो आप देखो यार कितनी प्रॉब्लम आपको है और किस हद तक केयर आप करोगे हो तो वो आपके लिए सूटेबल है। मतलब आप वैसे जैसे मैं कहता हूँ गर्म पानी पियो। कई लोग गर्म पानी नहीं पी सकते, उनको तकलीफ़ देता है, या गर्म पानी पीने की वजह से उन्हें वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, उनकी स्किन ड्राई हो जाती है। हर बंदे की स्किन, हर बंदे का इम्यून सिस्टम, हर बंदे का स्टमक जो है तो वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि अब मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका थोड़ा वीक होगा, आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो मेरा थोड़ा वीक होगा। तो हर चीज़ को, कोई भी आप डाइट और लाइफ स्टाइल फॉलो करते हो तो खुद को देखना पड़ेगा कि कुछ भी आप फॉलो कर रहे हो वो आपको कितना फ़ायदा दे रहा है, कितना आपको नुकसान दे रहा है। ये चीज़ें जब आप देखोगे उसके बाद फॉलो करोगे तो तभी आप बेहतरी की तरफ जा सकते हो। बाकी मसला ये है कि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मतलब इस चीज़ को सर पे सवार किया हुआ है। देखो अगर आप लोगों ने डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो कर लिए और कुछ हद तक आप बेहतर हो गए हो, ठीक है, मतलब 2 महीने 2.5 3 महीने आपने डाइट और लाइफस्टाइल अच्छे से फॉलो किए, मतलब उसमें आपको लगता है कि यार मैंने इसमें कोई मिस्टेक नहीं की, तो उसी डाइट और लाइफस्टाइल को लेके आहिस्ता आहिस्ता आगे चलो। अब 2 2.5 3 महीने बाद जो है आप थोड़ी चेंजेस करो, मतलब जितनी स्ट्रिक्टली आप पहले डाइट फॉलो कर रहे थे उतना स्ट्रिक्टली आप फॉलो मत करो, उसमें थोड़ा सा मतलब चेंजेस लेके आ जाओ, ठीक है। जो गर्म पानी आपको हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, लेमन नहीं अवेलेबल होता, आप उस तरह के ड्रेसेस नहीं पहन सकते, अब गर्मी का मौसम है, ठीक है, तो उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो ड्रेस आपको सूट नहीं करता वो भी आपको पहनना पड़ता है क्योंकि आप काम कर रहे हो। दूसरा ये है कि आप कहते हो मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ, हाथ पाँव की वेंस नज़र आ गई हैं, तो वेरिकोज वेंस ना हो जाएँ, तो ये फजूल किस्म की बातें होती हैं। मतलब इस चीज़ के ऊपर अगर आप सोचोगे, अगर मैं आपको अपना हाथ दिखाऊँ तो ये जब मैं हाथ धोता हूँ ना, जब हाथ मैं मतलब धोता हूँ तो पूरा हाथ मेरा ब्लू पड़ जाता है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊँ कि मेरे हाथ में कितनी वेंस नज़र आती हैं। अब अगर मैं टेंशन लेने लग जाऊँ और मैं कहूँ यार ये मेरे हाथ में वेंस नज़र आ रही हैं तो मेरी मुझे वेरिकोज वेंस हो गई हैं, तो वो बात जो है ना बंदे को स्ट्रेस देती है, ठीक है। केयर करो, अब मुझे खुद टेंशन होती है, मैं हाथों में वेंस को देखता हूँ ना तो मुझे परेशानी होती है। समटाइम मुझे बहुत अजीब सा फील होता है कि तुम यार ये क्या पूरा ऐसे जाल बना हुआ है हाथ के अंदर, तो ये बंदे को टेंशन देता है। तो इसको वेंस को कैसे ख़त्म करोगे, ठीक है। तो उसमें यह है कि आप खाना जो है खाने का आप ज़्यादा इस्तेमाल करोगे। अब रमज़ान है, रमज़ान में थोड़ा थोड़ा आपने ख्याल करना है कि किस हिसाब से आपने एडजस्ट करना है। मतलब कई बंदों की रूटीन होती है, रात को जागते हैं, सुबह ड्यूटी पे जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, कई लोग दिन रात घर ही रहते हैं, तो उन लोगों की रूटीन ये है कि वो रात को ना सोएं और दिन को सोएं, ठीक है। रात के टाइम ही वो पानी पिएं, अपने जो भी खाना पीना करना है वो टाइम टू टाइम खाते रहें ताकि उनकी बॉडी को एनर्जी मिलती रहे। और बाकी जो लोग रोज़े नहीं रख रहे तो वो रोज़े रखो, वेरिकोसील की वजह से ऐसे ना हो कि आप रोज़े मिस कर दो और कहो यार हमें वेरिकोसील है तो हम रोज़े नहीं रखते। तो ये सारी बातें थी मैंने डिस्कस करनी थी यार। तो बाकी ये है कि अगर आपको वीकनेस हो गई है, आप नींद पूरी करो, आप स्ट्रेस को ख़त्म करो, जो भी डाइट जिस आप फॉलो कर रहे हो उसमें आपको लगता है कि यार ये चीज़ करने से आपको ज़्यादा आपको वीकनेस आ रही है तो उस चीज़ को ख़त्म करो, ठीक है। और खाना आप ज़्यादा खाओ, एक ही टाइम में ज़्यादा ना खाओ मगर टाइम टू टाइम ज़्यादा खाते रहो, ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके सुबह से शाम तक खाते रहो। तो अभी रमज़ान है, रमज़ान में फिर अपनी रूटीन के हिसाब से एडजस्ट कर लो। तो बाकी ये है कि वीकनेस की वजह से वेरिकोज वेंस नहीं होती, ठीक है। अब वेंस नज़र आने लग जाएंगी क्योंकि लाजमी सी बात है, गर्म पानी आप पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उससे आपका जो मास है वो मतलब चर्बी जो है वो पिघलती है, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो होती हैं, ठीक है। तो उसमें ये नहीं करना कि मुझे वेरिकोज वेंस हो जाएंगी, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। आप डाइट अपनी अच्छी रखो, लाइफस्टाइल अपना अच्छा रखो, हेल्दी रखो, तो वेट दोबारा से गेन होना शुरू हो जाएगा।